हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैंने रेफरेंस लिया है ये थोड़ा डायनामिक पोज में है, यानी कि जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये थोड़ा टिल्ट भी है और इसकी जो चेन पार्ट है ये ज़्यादा दिख रहा है हेयरलाइन या और आईब्रो लाइन इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन से इसको डिवाइड कर रहा हूँ और रेफरेंस फ़ोटो को देखते हुए धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले आपको भी ऐसे ही करना है। तो इसकी जो मिडिल लाइन होता है, जो पहले हम क्या करते हैं कि क्रॉस ड्रॉ कर लेते हैं या जो आईब्रो लाइन है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो आईब्रो लाइन थोड़ा लेफ्ट हैंड में, यानी कि जो फ़ोटो में आपको दिख रहा है रेफरेंस फ़ोटो में, तो उसकी जो लेफ्ट साइड है उस हिस्से में ज़्यादा झुकी हुई है। तो ऐसे ही मैं देखते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो आप मेरे साथ भी इसको ड्रॉ कर सकते हो और एक एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसकी जो लेफ्ट शोल्डर है ये थोड़ा ऊंची है और जो राइट शोल्डर है ये थोड़ा नीचा है, तो इसीलिए मैं इसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे को देखना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ आ रही है, प्रोपोर्शन कैसी है या इसकी जो बनावट है वो कैसा है और जो वैल्यू है यानी कि डार्क और लाइट, ये सब चीज़ आपको समझना है। तो जब आप सोच सोच के और ऑब्जर्व करते हुए चीज़ को बनाते जाओगे तो वो चीज़ ढंग से बनेगा, और अब जब जल्दबाजी में करोगे तो तब आपको बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स दिखने को मिलेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको पहले धीरे धीरे काम करते रहना है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे तब ये सब चीज़ आपको इजी हो जाएगा। तो मैं भी ये छोटी छोटी चीज़ को ध्यान में रखता हूँ और धीरे धीरे कम करते रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो आप बना रहे हो उसकी जो फील है ये बाद में देने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो चीन पार्ट है तो ये चीन थोड़ा आगे की तरह है, ये ज़्यादा दिख रहा है, और जो आईब्रो लाइन है, आईब्रोज लाइन और जो हेयर लाइन्स है वो थोड़ा पीछे की तरह है। तो यही चीज़ आपको देखना है कि रेफरेंस फ़ोटो में कौन सी चीज़ आगे की तरह है, कौन सी चीज़ पीछे की तरह है, कैसी टिल्ट है, कैसी दिख रही है, ये सब चीज़ आपको देखना है। जो प्रोपोर्शन वगैरह पहले तो आप देखो, अच्छे से देखना है आपको रेफरेंस फ़ोटो को। तो मैं पहले रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से देखता हूँ, देन सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। तो मैं भी सिंपल वे में स्ट्रेट लाइंस में डिवाइड करता हूँ और ड्रॉ करता हूँ। तो आपको पहले प्रोपोर्शन देखना है, देन उसको स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करना है, या लुमिस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आप जो भी मेथड से बना रहे हो तो आपको सिंप्लीफाई पहले करना है, देन आपको धीरे धीरे करके डिटेल्स ऐड करना है, जो मैं अब कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं देखा हूँ कि इसकी जो बाईं आँख है ये थोड़ा नीचे की तरह होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर में किया हुआ था इसीलिए इसको मिटा के अच्छे से कर रहा हूँ। तो आपको जो मिस्टेक्स होती है तो उसको एक्सेप्ट करो पहले, देन उसको ऐसे ही मत छोड़ो, उसको और एक बार मिटा के बना सकते हो या दोबारा से बना सकते हो पूरा, यदि आप सही नहीं कर पा रहे हो। तो ये हो जाने के बाद सब कुछ ड्रॉ कर लेते हो, उसके बाद आपको वैल्यू के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो मैं अब कर रहा हूँ। जो वैल्यू स्केल होता है, लाइट टू डार्क होता है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू का जो पार्ट है यानी कि जो लाइट और डार्क है इसको डिफाइन करना है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क है जहाँ जहाँ वहाँ पर आपको डार्क कर देना है, यानी कि जो शेडो वाला पार्ट है। तो और भी मैंने पिछले वीडियोस में कई चीज़ कहा है कि
सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखना ही है, और ध्यान में रख के आप जब काम करते हो तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप ये काम कर सकते हो, ये मैं करता हूँ, इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो आप बना रहे हो उससे क्या मिस्टेक्स है, इसको आप लिखो, नोट कर सकते हो, ड्राइंग के पास में भी आप नोट कर सकते हो या अलग से भी नोट कर सकते हो। तो कौन सी चीज़ आप गलतियाँ कर रहे हो या क्या क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम्स दे रही है, इसको ऑब्जर्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ड्राइंग करने के बाद आपको वहाँ से हट जाना है, देन आके उस फोटो को देखो। क्योंकि क्या होता है, जब हम लॉन्ग टाइम के लिए काम करते हैं तो हम डिफाइन नहीं कर सकते या डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि ये जो हम बना रहे हैं ड्राइंग, ये वैसे हो रहा है कि नहीं। अब देखे हो कि मैंने पहले एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे ही आई को बना दिया था, लेकिन ये थोड़ा नीचे की तरह होना चाहिए था, तो उसको मैं मिटा के और एक बार ड्रॉ किया हूँ। तो इसीलिए कहता हूँ कि जो आप बना रहे हो उसके बीच बीच में आपको, यानी कि आपकी जो आई है उसको हटा के और एक बार उसमें जमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डार्क लाइट को अलग करते हुए काम को धीरे धीरे आर्टिस्टिकली कर रहा हूँ। जो रेफरेंस फ़ोटो में देख रहे हो कि जो रेफरेंस फ़ोटो है वहाँ पर जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ पर मैं डार्क दे दिया है, और जहाँ लाइट है उसको लाइट छोड़ दिया। लेकिन इसकी जो सिर है, यानी कि जो बाल है ऊपर में, तो वहाँ पर मैं एज इट इज़ या जो डिटेल्स है उसको मैं नहीं किया है, वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत टेक्सचर ऐड किया है। और मैं दो आँख, नाक की बॉटम पार्ट और थोड़ा बहुत हेयर जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगा है वहाँ पर मैं डार्क ज़्यादा किया हूँ, ताकि वो चीज़ आपको ज़्यादा फोकस में रहे, आप ज़्यादा फोकस में देख पाओ। तो इसीलिए तो यहाँ पर मैं और एक बार डार्क ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिटेल्स दे रहा हूँ। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्रैक्टिस करते रहना और खुद के आर्ट वर्क, खुद की सोच इम्प्रूव करते रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।